नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका देसी हेल्थ उपाय चैनल में। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पर कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है। अब एक खबर आई है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने वैक्सीन ली है। शायद अब में से बहुत से लोगों को व्हाट्सएप पर यह मैसेज भी मिला होगा। एक मराठी न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल कर दी गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फ्रेंच के नोबल विजेता वायरोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन ली है उनकी मृत्यु 2 साल में हो जाएगी। दोस्तों, यह खबर पूर्णतः झूठ है, फेक है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, हमारे देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इसकी रिसर्च की और यह पता किया कि क्या यह खबर सही है या गलत है। दोस्तों, यह खबर पूर्णतः गलत है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जब यह खबर पढ़ी मैंने, उसके बाद भी मैंने वैक्सीन ली है। आप प्रूफ के तौर पर इस मैसेज को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। आप लोग खुद अनुभव करिए, जब से हमारे देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तब से कितने केस कम हो गए। नहीं तो एक एक दिन में लाखों केस मिल रहे थे, लेकिन आज बहुत ही डाउन हो गए हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ पर विश्वास मत करिए। सरकार, हर देश की सरकार आपसे बार बार अपील कर रही है कि आप वैक्सीन लगाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। दोस्तों, वैक्सीन भी 100% तक आपका प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम 90-95% तो कर ही रही है। जब तक पूरी तरीके से यह वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम सुरक्षित खुद को नहीं समझ सकते। इसलिए दोस्तों, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, जब भी कहीं बाहर जाए, किसी चीज़ को छुए तब फेस मास्क जरूर लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। बाहर जब आप कहीं काम करने जाते हो, उसके बाद यदि घर आते हो तो गर्म पानी से नहा लेना चाहिए अच्छे से, ताकि अपना जो परिवार है वह सेफ रह सके। गरारा कर लेना चाहिए गर्म पानी से। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, न कि ऐसे फेक न्यूज़ को शेयर करना है और न ही ऐसे चीज़ों पर विश्वास करना है। दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, फेक न्यूज़ तो बहुत शेयर करते हैं। उम्मीद है आप लोगों से कि इस वीडियो को भी आप अन्य लोगों में शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।